मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 63 दिनों से CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं का प्रोटेस्ट जारी है और महिलाओं का एक डेलीगेशन आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जाने वाला था और ये महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए शाहीन बाग से अमित शाह के आवास तक जाने वाली थी, मगर पुलिस ने इन्हें परमिशन नहीं दिया। CAA पर जहां एक तरफ अमित शाह शाहीन बाग की महिलाओं को बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि CAA किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, हम अपने बात पर कायम हैं। वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोक रही है, बाकायदा पुलिस बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक रही है ताकि ये महिलाएं आगे ना बढ़ सकें। एक तरफ अमित शाह CAA पर महिलाओं को बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी CAA पर कायम रहने की बात कर रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है। देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दिए जाते थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। आज बाबा भोलेनाथ की नगरी में, अवधूत बाबा भगवान राम के सानिध्य में, दीनदयाल की स्मृति में मैं काशी के लोगों को, देश के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के लिए काम निरंतर जारी रहेगा। वही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी खुद शाहीन बाग आकर बातचीत करें, मगर अमित शाह और पीएम मोदी का CAA पर तालमेल खुद नहीं मिल रहा है, ये लोग आपस में ही फैसला नहीं कर पा रहे हैं। शाह बातचीत करने के लिए जहां शाहीन बाग की महिलाओं को बुला रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी CAA पर कायम रहने की बात कर रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।